उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में लड़की से हुई हिमानियत पर अब सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को हाथरस मामले पर पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने महामारी उल्लंघन करने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा पर रोक कर हिरासत में ले लिया और अब इस बात से देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में है। इसी को लेकर उदयपुर शहर में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार ने जिस तरह से हमारे देश के पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी पे और प्रियंका गांधी को जिस तरह से हमारी मनीषा जो हत्याकांड हुआ हाथरस में, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनको जिस तरह से गाड़ी से रोका और रोड पे जो पैदल जा रहे थे उसको भी जाकर रोका और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया राहुल जी और प्रियंका गांधी को, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और सब हमारे शहर के पार्षद सब यहाँ एकत्रित हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, NSO के कार्यकर्ता, ये सब एकत्रित थे। हम सब लोग बहुत आहत हैं और हम सब यही कहना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है ये अन्याय, ये जिस तरह से देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ और देश के दलितों के साथ, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी लिए आज हमने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला यहाँ फूंका है, ये संदेश देने के लिए कि पूरा देश में आज जिस तरह से दलितों पर, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, युवाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी योगी आदित्यनाथ का बर्खास्त की मांग करते हैं। ये हम कांग्रेस के साथ ही एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।